श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री जगन्नाथ जी श्री बलदेव सुभद्रा और श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री गौरनिताई और आप समस्त वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करके मैं श्रीमद् भागवतम से कुछ कहने जा रहा हूँ। और यह मान करके कि यह प्रवचन आप वैष्णवों को सुख देगा, आप लोगों का सुख ही मेरा सुख है, तो श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के आशीर्वाद से श्रील प्रभुपाद जी के पास है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ भगवान की कथा कहने का। भक्तजन पूछ रहे थे कि आप क्या कहेंगे। पहले से कुछ नहीं सोचा, लेकिन यहाँ पर आकर के निश्चय किया गया कि तो महाराज परीक्षित राज्य त्याग कर श्री गंगा जी के तट पर बैठे भगवान के धाम में जाने की चिंता से संकल्प से, तो यहाँ से इस कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। 19वां अध्याय श्लोक 1 महीपतिस्तत तत कर्म गर्यं विचिन्तयन् यात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीच मनार्जवत् कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। चालू ही करते हैं डायरेक्ट। महीपति पृथ्वी के राजा महाराज परीक्षित, तू अब अथ तत्कर्म
मुनि के गले में मृतक सर्प डालने वाला कर्म गर्ह्यान जो उनकी दृष्टि में निंदनीय था, विचिंतयान विशेष चिंता करते हुए, आत्मकृतम उनका किया हुआ कर्म, परीक्षित का किया हुआ कर्म, सुदूर मनः अत्यंत दुखित मन वाले हो गए, सोचने लगे, अहो बड़े दुख की बात है, माया मेरे द्वारा, नीचं पाप, अनार्जवत आर्जो के अतिरिक्त जवन आदि जो करते हैं वैसा, कृतम किया हुआ, निरागसी निर्दोष, ब्राह्मणी ब्राह्मण के प्रति, गूढ़ तेजसी जिसका तेज छिपा हुआ था। महाराज परीक्षित बोले हिंदी, अपने द्वारा किए हुए उस कर्म की निंदा करने लगे। मुनि के गले में उन्होंने मृतक सांप डाला था, यही सोचते हुए भी बड़े दुखी हो गए और कहने लगे, अहो मेरे द्वारा बड़ा पाप हुआ, मैं अनार्ज जैसा कर्म किया, एक निरपराध निर्दोष ब्राह्मण के गले में सांप डाला। वास्तव में ब्राह्मण बड़े तेजस्वी हैं, परंतु अपने तेज को वे गुप्त रखे थे। महाराज परीक्षित एक दिन मृगया के लिए वन में गए थे, अकस्मात उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी, इसके साथ ही साथ भूख लगी। यह भगवान कृष्ण की ही इच्छा थी, नहीं तो उस राजर्षि को अकस्मात प्यास लग जाए और अकस्मात भूख, ऐसा हो नहीं सकता था। हम लोग जैसे मनुष्य भी इतना निश्चिंत रहते हैं कि अगर 10 बजे खाए तो 4 बजे तक तो भूख नहीं सताएगी, है ना? कुछ परिश्रम करने पर भी इतना आश्वासन रहता है कि हमको अभी आधे घंटे में प्यास नहीं लगेगी। फिर भी तो राजर्षि थे, जितेंद्रिय थे, उनको अकस्मात कैसे प्यास लग सकती थी? और ऐसी प्यास लगी, पूरा उनका तालू सूख गया, मुख सूख गया और वे बोलने में असमर्थ हो गए। उस समय हरे कृष्ण का उच्चारण भी उनसे नहीं होता था, इतना गला सूख गया। भूख भी लगी थी और प्यास बहुत जोरों की लगी थी, पीछे पटा गए, वन में घूमने लगे पानी के तलाश में। कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा था। वे देखे एक ऋषि का आश्रम, मुनि का आश्रम, तो उस आश्रम में प्रवेश कर गए और वहां प्रवेश करके देखे कि एक मुनि ध्यानस्थ बैठे हैं, बहुत जोर लगा करके बोले लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। जलम देही, मुख सूख गया था बिल्कुल, उनको जल दीजिए। लेकिन वे तो भगवान के ध्यान में लगे थे मुनि,
बाह्यानुसंधान नहीं था, अतः वे महाराज परीक्षित के उस वचन को सुन नहीं पाए। यदि उनको ये पता होता कि राजर्षि परीक्षित हमारे घर आए हैं आश्रम में, तो बस अपना हो भाग्य मानते और उठ करके उनका स्वागत करते। परंतु उनका चित्त अंतर्मुख था, भगवान में था, देख नहीं पाए। तो राजर्षि परीक्षित इस बात से अकस्मात मुनि के प्रति दोष दृष्टि कर रहे हैं। यह भी भगवान की इच्छा थी, नहीं इतना सुशिक्षित राजा अर्जुन के वंश में जन्मा हुआ, पांडवों के वंश में जन्मा हुआ, किसी साधु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति द्रोह बुद्धि नहीं कर सकता था। महाराज परीक्षित के मन में आया कि ये ब्राह्मण, यह मुनि मेरी उपेक्षा कर रहा है, जान गया कि मैं इसके आश्रम में हूँ और इसे पानी मांग रहा हूँ, जल मांग रहा हूँ, लेकिन यह जानबूझकर आंख बंद किया है। इस प्रकार की बुद्धि सब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हो रही थी। दोष बुद्धि तो हुई ही। महाराज परीक्षित सोचने लगे कि ये मुझे माल्यार्पण नहीं कर रहा है, मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, मुझे जल नहीं दे रहा है, मुझे बैठने को आसन नहीं दे रहा है, इन्हें झुठमुठ के पाखंड करके आंखें बंद किया। प्यास से बिल्कुल व्याकुल थे, लगता था कि अब प्राण निकल जाएंगे, तो क्रोध में थे, आश्रम से निकलने लगे। तो बाहर कुटिया के एक मरा हुआ सांप था, उन्होंने धनुष से देखा, उसमें कोई जान नहीं थी। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि इसने मुझे माला नहीं पहनाया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मरा हुआ सांप अपने धनुष से उठाए और उस ध्यानस्थ भगवतगत मानस मुनि के गले में सांप लपेट दिए, लपेट करके चले गए। इधर उस मुनि का, समीक मुनि का पुत्र अन्य ऋषि बालकों के साथ खेल रहा था। किसी दूसरे बालक ने उससे कहा, तुम्हारे पिता को सांप काट दिए, डंस दिया। वैसे केवल सांप देखा तो समझा कि इनको सांप डंस दिया है, और ध्यान में थे ही, निश्चेष्ट बिल्कुल थे। तो वो बच्चा जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि, बच्चा नहीं था, बड़ा हो गया था, तो बिना सोचे समझे उसने कौशिकी नदी का जल उठाया, हाथ में ले लिया और महाराज परीक्षित को सांप दे दिया। महाराज परीक्षित सामने नहीं थे, तो कहा जिस व्यक्ति ने, अर्थात परीक्षित ने, हमारे पिता के गले में सांप डाला है, हमारे पिता की मृत्यु हो गई, उसको भी दोष बुद्धि हुई कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई, अतः उसने क्रोध में सांप दे दिया कि आज से सातवें दिन इस दुष्ट को तक्षक सर्प डसेगा। जल से उसने सांप दिया, आया आश्रम में, तुरंत आया, आकर के देखा कि सचमुच पिताजी मर गए। इस सब कुछ भगवान की प्रेरणा से हो रहा था। वो रोज जोर से रोने लगा उनके पास पहुंच करके, हाय पिताजी आपकी मृत्यु हो गई, हाय हाय ऐसे करने लगा। जब वह जोर से रोने लगा तो मुनि उठे, जगे, बाह्य वृत्ति उनकी हुई, देख क्यों रो रहा है। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रुदन कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि पिताजी मैं समझा था कि आपकी मृत्यु हो गई, किसी तरह वो चुप कराए। और उसने उसी आवेश में कह दिया कि हमें आपके आश्रम में परीक्षित आया था, वो कुरुवंशी क्षत्रिय अधम लगा कहने, वो अधम राजा, और उसने आकर के आपके गले में सांप डाला,
तो उसको मैंने साथ दे दिया है कि आज से सातवें दिन मर जाएगा, तक्षक सर्प डसेगा। तक्षक एक महाविषधर सर्प है जो नागलोक में रहता है पाताल में, वे मुनि अपने गले से सांप हटा करके और लगे अपने बेटा को समझाने, री तुमने यह क्या किया, धर्म के रक्षक राजर्षि परीक्षित को तुमने सांप दे दिया, जानते हो मूर्ख उनके नहीं रहने पर सारी प्रजा को दुख देने वाले दस्यु बढ़ जाएंगे, बहुत अनाचार छा जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लगे कहने उनकी कृपा से सब लोग जी रहे हैं और अपने अपने धर्म में लगे हुए हैं, स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, उनके नहीं रहने पर तो प्रजा का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। और वो साथ देते समय क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ चले गए तब ये राजा लोग इस तरह से दुराचार करना चालू किए। बताइए किसी साधु के आश्रम में एक तो घुसना अपराध और उसमें प्रवेश करके और उसी मुनि को अपमानित करना, वो अपने समाज से ये सोच रहा था कि परीक्षित टोटल गलत है, ऐसे राजा को जीने का अधिकार नहीं है, तो अपना ब्रह्मत्व अपने ब्राह्मण का तपोबल दिखाया और साथ दे दिया। लेकिन जब समीप मुनि इस बात को सुने तो बहुत दुखी हुए, लगे समझाने तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो बाण धनुष से निकल चुका था। बहुत समझाए और अंत में उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा हस्तिनापुर महाराज परीक्षित को संवाद देने के लिए कि महाराज अब आपको केवल 7 दिन जीना है, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, हमारे नालायक पुत्र ने आपको साथ दे दिया है। महाराज मैं आपको इसलिए सूचना दे रहा हूँ कि 7 दिन आपके जीवन के बाकी हैं, आपको जो भी काम करना है, जिस कर्म से आपको आपकी सदगति होगी, आप भगवान के धाम में जाएंगे वो काम कर लीजिए, कृपया क्षमा कीजिए इस अबोध बालक। इसके पहले ही महाराज परीक्षित अपने कर्म पर शोक प्रकट कर रहे थे, रास्ते में भी और घर पहुंचने पर भी। तो यहाँ से चालू करते हैं सूत जी कथा। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों के सभा में सूत गोस्वामी प्रवचन कर रहे हैं। मही पतिस्तस तत्कर्म गर्ह्यम विचिन्तयन आत्मकृतम सुदुर्मना। महाराज अपने कर्म की याद करके कि मैंने एक ब्रह्मर्षि के गले में सर्प निक्षेप किया, उसके कारण में बहुत दुखी थे, बड़ा उन्हें शोक हो रहा था। जो कोई बड़ा व्यक्ति कुछ गलत कर बैठता है तो उसको उसके लिए पश्चाताप होता है कि मैंने गलत किया, नीच आदमी गलत करके भी पश्चाताप नहीं करते हैं, सोचते मैंने अच्छा किया, उल्टा विचार होता है। लेकिन परीक्षित तो सर्वोत्तम व्यक्ति थे, भगवान के परम भक्त, पांडवों के वंश में जन्म लिए थे, तो वे अपने कर्म के लिए शोक प्रकट कर रहे थे, सोच रहे थे सुदूर मना, मन में बहुत चिंता हो रही थी, बहुत ग्लानि हो रही थी, निंदा कर रहे थे अपने कर्म की, सोच रहे थे क्या सोच रहे थे। 2.5 श्लोक में सूत गोस्वामी इसको कह रहे हैं। महाराज परीक्षित सोचते हैं, अहो मया नीच मनार्जवत कृतम निरागसे ब्रह्मणि गुहते से, हाय हाय मैंने बड़ा पाप किया, मैं नीचम का अर्थ पापम, मैं बहुत बड़ा पाप किया, एक ब्राह्मण के प्रति मैंने अपराध किया। वास्तव में ब्राह्मण गूढ़ तेजसी गूढ़ गुप्तम तेजो जस्य तस्मिन,
उस ब्राह्मण का तेज में पहचान नहीं पाया, छिपा हुआ तेज सारे भगवान के परम भक्त थे और हमारा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, निरागसी आगस नहीं किए थे, कोई पाप नहीं किया था, अपराध नहीं किए थे, ऐसे ऋषि के प्रति मैंने दुर्व्यवहार किया, मेरा यह कर्म अनार्ज जैसा है, आर्ज जैसा नहीं। आर्ज कहते हैं जो वेदों को मानते हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसे लोगों को आर्ज कहा जाता है। और अनार्ज बिल्कुल असभ्य व्यक्ति, जिसको कोई शिक्षा नहीं है सदाचार की या बड़े लोगों से क्या व्यवहार करना चाहिए, कोई भी शिक्षा नहीं, वो है अनार्ज। अनार्जवत कृतम, मैंने अनार्ज जैसा व्यवहार किया। ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनम हेलनात् दुरत्ययम व्यसनम नात दीर्घा तदस्तु कामम त्वघ्निष्कृतम में जथान कुर्याम पुनरेव मर्था। महाराज परीक्षित सोच रहे हैं, ध्रुवम निश्चित है कि ततः इस कर्म से मैंने एक ऋषि के ब्राह्मण के गले में सांप डाला है और उनके प्रति पाप बुद्धि किया है, निश्चित ही यह भगवान का अपराध है। कृत देव हेलना, यह देव की ईश्वर की अवज्ञा है। भगवान की आज्ञा है वेदों में शास्त्रों में कि ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए, तो मैंने मुनि का जो अपमान किया है वास्तव में ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। देव का अर्थ है पूज्य, कोई भी देवता या बड़ा व्यक्ति पूज्य, लेकिन अगर केवल देव का प्रयोग किया जाए, ये न कहा ये कौन देव, तो उसका अर्थ होता है भगवान श्री विष्णु कृष्ण। तो मैंने देव हेलन किया है, ईश्वर की अवज्ञा किया है, अतः इस काम से निश्चित ही ध्रुवम मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी, बहुत बड़ा दुख आएगा। ध्रुवम तत्व में कृतदेव हेलना दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घा, मुझ पर बहुत दुख आएगा जिसको पार करना कठिन होगा। दुरत्ययम व्यसनम, व्यसनम दुखम, दुरत्ययम अपारणीय, जिसका पार पाना कठिन है ऐसा संकट आएगा। न अति दीर्घा, और देर से नहीं, तत्काल कोई न कोई संकट आएगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। तद अस्तु, मैं चाहता हूँ कि हम पर कोई बहुत बड़ा दुख आवे, काम और असंकोच के साथ आवे, संकोच न करे वो विपत्ति हम पर आने में, यथेष रूप से आवे। तो अग्निष्कृताय, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं कि यह मुझ पर विपत्ति आवे? अग्निष्कृताय, इससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसा दुख आना चाहिए कि मेरे पाप का पूरा पूरा प्रायश्चित हो जाए। जथा न कुर्याम पुनरेव मर्था, जिससे मैं पुनः इस प्रकार का पाप न कर सकूं। ये प्रार्थना है महाराज परीक्षित। पहले तो विचार कि जरूर संकट आएगा, लेकिन फिर कह रहे हैं कि यह यावे ईश्वर से, भगवान कृष्ण से मेरी कामना है कि मुझ पर बहुत बड़ा दुख आवे, जिससे कि मैं पुनः इस प्रकार का पाप न कर सकूं, मेरे पापों का, किए हुए पापों का प्रायश्चित हो जाए और आगे मेरे मन में ऐसा विचार, ऐसा पाप पूर्ण विचार न आवे, मैं ऐसा न कर सकूं। लेकिन भगवान से एक प्रार्थना कर रहे हैं, अद्धा साक्षात, साक्षात मुझ पर विपत्ति आनी चाहिए, पुत्र आदि पर नहीं, हमारी जनता पर या हमारे परिवार पर, हमारे पुत्र आदि पर ये संकट न आए। यह नियम है कि यदि कोई बहुत पाप करता है तो पाप का फल उसके परिवार पर भी आता है, उसके संबंधियों को भोगना पड़ता है। तो महाराज परीक्षित भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर दुख आवे, विपत्ति आवे, लेकिन साक्षात हम पर आवे।
भले मेरी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत बड़ी विपत्ति आवे, लेकिन हम पर आवे जो मेरे पाप के लिए प्रायश्चित स्वरूप हो गए, पश्चाताप, प्रायश्चित, निर्वेश। तो महाराज परीक्षित इसके बाद सोच रहे हैं, अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशं ब्रह्मा प्रकोपित ब्रह्म कुणाल कुल्ला नलों में दहत अभद्र से पुनर्नमे पापी असिधिर द्विजदेव गोभ्य। उस श्लोक के पहले ये सोच रहे हैं, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि एवं साक्षात स्वस्यैव व्यसनम संप्रार्थ्य ततः प्राग एव किंचित प्रार्थय। वो जो श्लोक कहा गया उसके पहले ही की प्रार्थना है। महाराज परीक्षित सोच रहे थे, पहले तो यही सोचे कि इस पाप के कारण अद्यैव आज ही मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरी सेना नष्ट हो जाए और मेरा समृद्ध कोष नष्ट हो जाए, मेरा सारा धन, मेरी सारी सेना और मेरा राज नष्ट हो जाए। कैसे नष्ट हो जाए, कौन नष्ट कर दे? प्रकोपितम ब्रह्म कुला नलों में, प्रकोपितम ब्रह्म कुल, ब्राह्मण कुल ही आग है, अग्नि है, और उस अग्नि से, अग्नि मेरे राज्य को, धन को और सेना को जला दे, दहतु, जिससे कि मुझे नीच की, अभद्र की पुनः ऐसी बुद्धि न हो पावे देवताओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति और गौओं के प्रति, द्विजदेव गोभ्य, इनको पापी सिद्धि, इनको पीड़ा देने वाली बुद्धि मेरे पास न रहे, मेरा राज्य समाप्त हो जाए। पहले तो शुरू में उन्होंने यही कहा कि मेरा राज्य समाप्त हो जाए और मेरी सेना नष्ट हो जाए, मेरा समृद्ध कोष, खजाना नष्ट हो जाए। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ काल के बाद प्रार्थना करते, नहीं नहीं, जो कुछ भी हो मुझ पर वो विपत्ति आ गई, चाहे कुछ भी हो, हमारी प्रजा पर और हमारे पुत्र आदि पर न आवे, ये प्रार्थना करो। ये पहले की प्रार्थना, इस तरह से वे सोच रहे थे, हम पर कोई विपत्ति आवे, हे भगवान हमको भारी दुख में डाले जिस मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इसी समय समीक ऋषि का भेजा हुआ उनका शिष्य आकर के महाराज परीक्षित को सूचना दिया, सइत्थं सचिन्तयन् नित्थम् अथा श्रवण श्रोत्यथा मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्य। महाराज परीक्षित चिंता में पड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे कि हम पर भारी दुख आवे, विपद आवे। उसी समय समीक ऋषि का शिष्य पहुंचा और उसने महाराज से सुना, निवेदन किया। मुने सुत, समीक मुनि के पुत्र ने जो कुछ कहा था उस बात को समीक ऋषि का शिष्य आकर के सुनाया, कहा कि महाराज आज से सातवें दिन, सात दिन के बाद नहीं, सातवें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। किस रूप में मृत्यु होगी? मृत्यु हो निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मृत्यु को पाते। और कहा तक्ष काख्य मृत्यु, तक्षक नामक मृत्यु, अर्थात तक्षक सर्प आपको काटेगा, डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्रृंगी ऋषि ने कहा है, साप दिया है आपको। महाराज अब सात दिन तक अपने जीवन के श्रेय के लिए, परलोक के लिए जो कुछ भी आपको करना हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति के लिए जो करना हो आप कर लीजिए, वो सात ही दिन टाइम है। इतना जब महाराज ने सुना
तो बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। तो पापों का प्रायश्चित तो इससे हो जाएगा, लेकिन महाराज को एक और निर्णय करना था कि मैं कैसे भगवान के धाम में बैकुंठ में जाऊंगा, कैसे उनकी सेवा में जाऊंगा। इस संसारिक जीवन में जीने की उनकी कोई लालसा नहीं थी, वे पूर्ण तृप्त व्यक्ति थे। पापों के लिए सोच रहे थे तो पापों का तत्काल प्रायश्चित आ गया कि तक्षक नामक सर पर डसेगा, सातवें दिन आपको आपकी मृत्यु इस तरह से होगी। तो साधु मैंने न चिरे तक्ष का नलम प्रसक्त से विरक्ति कारणम, तो तक्षक के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। यह सुन करके महाराज साधु मैंने, साधु का अर्थ अच्छा, बहुत अच्छा माने, तक्षक डसेगा उसे मेरा शरीर जल जाएगा, तक्षकानल। जो व्यक्ति विषय में आसक्त है, अर्थात तो मैं आसक्त हूँ संसार में विषय भोगों में, तो प्रसक्त से विरक्ति कारण, मेरे जैसे आसक्त व्यक्ति के लिए तक्षक का डसना वैराग्य का कारण होगा। मतलब ये पता चल गया कि सातवें दिन तक्षक डसेगा, मैं मरूंगा, निश्चित ही अब मेरी आसक्ति संसार में नहीं रहेगी। उनकी आसक्ति वास्तव में पहले भी नहीं थी, यह सब भगवान की व्यवस्था थी इस राजर्षि को अपने धाम में बुलाने की। और कलयुग को अवसर देना चाहते थे श्री कृष्ण, क्योंकि टाइम फिक्स किए हैं ना, जैसे संडे मंडे ये सब दिन है, वैसे युग फिट किए, तो उसको आना ही था, ये भगवान की व्यवस्था है। लेकिन महाराज परीक्षित जब तक रहते तब तक कलयुग नहीं आ सकता था। ऐसे वो आ गया था, लेकिन महाराज परीक्षित के शासन से बिल्कुल दबा हुआ था, कहीं प्रभाव नहीं डाला। वो तो आ तो उसी दिन गया था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी का त्याग किए थे, उसी दिन आ गया था, लेकिन महाराज परीक्षित के प्रताप से उसकी कोई भी क्रिया नहीं हो रही थी। सब जन का अनुशासन था, इतना प्रबल प्रताप था परीक्षित। तो भगवान चाहते थे परीक्षित महाराज को अपने धाम में, अतः परीक्षित में इस तरह की प्यास भरना, भूख भरना, फिर ब्राह्मण के प्रति द्वेष बुद्धि भरना, ये सब हुआ। कभी कभी अज्ञ लोग इस बात को समझ नहीं पाते, परीक्षित महाराज के प्रति दोष दृष्टि करते हैं, पर उन्हें थोड़ा विचार करना चाहिए। जिस परीक्षित की रक्षा भगवान ने गर्भ में ही कर ली और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, तो क्या वे ब्राह्मण के साप से रक्षा नहीं कर सकते थे? ब्रह्मास्त्र भी तो ब्राह्मण का ही अस्त्र है। गर्भ में बच्चे को बचा लिए, इससे बचाना कौन बड़ी बात है, लेकिन वे ऐसा करना नहीं चाहते थे। द्वारका में ब्राह्मणों का साप हुआ था लास्ट में, तो कई लोगों को भगवान ने बचा लिया था, वे नहीं मारे थे, जबकि सारे कुल के नाश का साप था। बज्रनाथ बचे हुए थे, नहीं मारे, और मथुरा में राज्य करते थे महाराज परीक्षित हस्तिनापुर में, और बज्रनाथ मथुरा। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि भगवान ने ब्रह्म साप मिथ्या कर दिया, ब्रह्मास्त्र मिथ्या कर दिया। ये भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे। और कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज परीक्षित अपने सिर पर, मस्तक पर सोने का मुकुट बांधे थे और उन्होंने सोना में स्थान दिया था कलजी को, इसीलिए कलजुग उनके मस्तक पर चढ़ गया। वास्तव में कलयुग उनके कपार पर नहीं, उस ब्राह्मण के कपार पर चढ़ा जो साप दिया था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। और कलयुग
अपने समय में ब्राह्मणों के मस्तक पर ज्यादा रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी उस विषय में संकेत करते हैं कि कलयुग ही वास्तव में गोबध कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा करा रहा है? बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उनके कपाल पर चढ़ा हुआ है, उनके सिर पर सवारी किया है, उनकी बुद्धि को नष्ट करके और ये सब हिंसा के काम, जीवों को दुख देना, व्यभिचार, चोरी आदि सब कुछ इनसे वो करा रहा है। तो वो परीक्षित को पसंद नहीं करता था, परीक्षित कलयुग के चाल को रोक दिए थे, तो वह परीक्षित पर नहीं चढ़ सकता था, इतना प्रताप था परीक्षित महाराज, तो एक ब्राह्मण के कपार पर चढ़ गए और उसके द्वारा राजा को हटाया, इनडायरेक्ट में ऐसे काम किया। तो ये जितने भी कलयुग के एजेंट हैं डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं, कानून बना बना कर करते हैं, संविधान ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये सब कलयुग की एजेंसी खोले हुए हैं। नहीं तो इस देश में गोहत्या हो, जिस गाय को इतना उपयोगी और पवित्र माना गया, जिसको प्रत्येक हिंदू माता कहता है, और उसी की हत्या हो इस देश में, क्या किया गया? सब कलयुग के चेला लोग करा रहे हैं। तो वास्तव में कलयुग है परीक्षित पर सवार नहीं था, सवार था वो ब्राह्मण के कपार पर। जो भी इस तरह से महाराज परीक्षित को जब सुनाई पड़ा तो वे इसको अच्छा माने, कलयुग है हमें सर्प डसेगा तक्षक, यह हमारे लिए विरक्ति का कारण, ठीक है, बहुत आसक्त हूँ घर गृहस्थी में, अपने परिवार में और राज्य में कोष में मैं आसक्त हूँ, बहुत अच्छा हुआ है। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि अथो विहाय ममुं च लोकम विमर्शितौ हेतया पुरस्ता कृष्णांग्र सेवाम अधिमन्यमान उपा विशत प्राय ममर्थ नद्याम। तो इस साप को सुने महाराज परीक्षित तो तत्काल ही मुकुट उतार दिए, राजकीय भेष सब रख दिए और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिए, कोई राज्याभिषेक पूर्वक नहीं, सीधा उन्होंने अनाउंस कर दिया कि राजा बनेगा जन्मेजय। उनके चार पुत्र थे, बड़े थे जन्मेजय, राजा बनेगा और सब कुछ छोड़ करके अमर्त नद्याम, अमर नदी, देव नदी, गंगा जी के तट पर चलेगा। वैसे हस्तिनापुर भी गंगा जी के ही तट पर था, लेकिन महाराज परीक्षित राजधानी के पास रहना नहीं चाहे, तो वहाँ का वातावरण दूसरा था, तो गंगा जी के तट पर गए। तट पर ही चलते चलते एक स्थान है सुखताल, हरिद्वार के निकट है, तो वहाँ गए और एक बट वृक्ष के नीचे गंगा जी के तट पर बैठ गए, तीर पर भी गंगा में स्नान करके और बैठे। अब उनको ये चिंता नहीं थी कि राज्य कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, नहीं नहीं, अब केवल एकमात्र चिंता थी कि मैं कैसे भगवान के धाम में जाऊंगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं कृष्ण का पार्षद बन करके उनके धाम में जाऊं, बस यही लालसा थी। इसी के लिए अब जो कुछ भी करना था वो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना था, क्योंकि शुद्ध गोस्वामी कहते हैं अथो विहाय इमम अमुं च लोकम, वे इह लोक और परलोक दोनों को छोड़ चुके थे, छोड़ दिए, चिंता नहीं किए कि हमें स्वर्ग मिलेगा या आगे कुछ मंगल होना चाहिए या ये या इस लोक का मोह, परिवार का, देश का, समाज का, सबका, ऐसे विमर्शितौ हेतया पुरस्ता,
इस लोक को और परलोक के सुख को, स्वर्ग आदि को, यानी यहाँ के सुख को, वो तो पहले से ही पुरस्कार साथ मिलने पर नहीं, जब राज्य कर रहे थे उसी समय बहुत शुरू से ही हे तया विमर्शित, इन दोनों को वे हे समझे से अति तुच्छ समझ चुके थे पहले से पुरस्कार। इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, सूर्य जी कहते पुरस्कार, पहले से ही महाराज परीक्षित इनको बिल्कुल तुच्छ समझते थे, इस लोक के भोग और परलोक के स्वर्ग आदि के भोग दोनों को हे तया विमर्शित, दोनों को ये तुच्छ समझते थे, इनमें कुछ भी सुख नहीं है और इनकी कोई उनके अंदर लालसा नहीं थी, जो पहले से ही निश्चित कर चुके थे, जो राजा थे राज करते थे उसी समय उनको हे समझते थे। अतः विहाय इमम अमुम चल, दोनों लोकों को, लोक परलोक दोनों को विहाय छोड़ करके कृष्णांग्र सेवा अधिमन्य माना, इस लोक के भोगों को और परलोक के भोगों को बिल्कुल हीन समझते थे, पर श्रेष्ठ किसको समझते थे जीवन में पुरुषार्थ के रूप में किसको मानते थे, तो कृष्णांग्र सेवा, श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा को, कृष्ण भक्ति को, प्रेम को ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मानते थे। कृष्णांग्र सेवा अधिमन्य मान, कृष्णांग्री सेवा को, अंग्री अर्थात चरण, कृष्ण चरण की सेवा को, भगवान की सेवा को, श्री कृष्ण की सेवा को ही अधिमन्य मान, सबसे अधिक मानते थे, इसी को महत्व देते थे। मन जैसे आजकल संसारिक लोग ये खाना पीना सुख भोगना बस इसी को अधिक मानते हैं, और भगवान के भजन की बात कही जाती है तो हाँ वो भी करते हैं ठीक है, लेकिन ये देखना है ना पहले कभी कभी ऐसे कर पहले ये देखना है ना, पहले या पीछे सब समय कृष्ण को देखना है, ये है वास्तविक संत का राजा का लक्ष्य। महाराज परीक्षित के लिए सुखदेव शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कृष्णांग्र सेवा अधिमन्य मान, इसका अर्थ लिखते हुए श्रीधर स्वामी जी कहते हैं सर्व पुरुषार्थाधिकां जानन, कृष्ण सेवा को, कृष्ण भक्ति को ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ मान जानते थे महाराज परीक्षित पहले से। तो इस समय जब साप हुआ तो उनको यह लोक छोड़ने में और परलोक छोड़ने में कोई, तो परलोक क्या छोड़ना था, इस लोक को तो शरीर से और मन से तो पहले से छोड़े थे, स्वर्ग और इस लोक को, पर इस लोक को अब साक्षात देह से भी छोड़ना चाहते थे, छोड़ दिए। 7 दिन केवल जीना है तो अब या नहीं कि अब स्त्री के पास जाकर के स्पेशल प्लान बनाने के 7 दिन क्या करना चाहिए, वो जानते थे कि ये सब बेकार है, सीधे चलना चाहिए जहाँ साधु महात्मा आएंगे, भगवान के भक्त आएंगे और गंगा जी जो भगवान के चरणों से निकले इनके तट पर रहूँगा, और हमारे पास यदि ऋषि मुनि आएंगे भगवान के भक्त आएंगे तो निश्चित ही मैं भगवान के धाम में जाऊँगा, इस तरह से हे समझे थे, और भगवान कृष्ण की सेवा को ही सबसे श्रेष्ठ समझे थे जानते हुए। तो अमर्त नद्यां उपविवेश, अमर्त नदी, गंगा जी को अमर्त नदी कहो, अमर्त मतलब अमर, सुर नदी, सुर सरिता, देव नदी गंगा जी, देव नदी, इनको इसीलिए नहीं कहा जाता है कि देवताओं के लोक में बहती हैं, देव का अर्थ है भगवान, ये डायरेक्ट भगवान की नदी है, उनके चरण कमल से निकली है देव नदी। और गंगा जी का स्वभाव है कि जो गंगा जी में स्नान करता है या गंगा जी का नाम भी लेता है, आचमन करता है, तो वहीं जाता है जहाँ से गंगा जी निकली है, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करता है।
गंगा जी चरण कमल से निकल करके बह रही है सारे जगत को पवित्र करने के लिए, धन्य करने के लिए। श्री गोपी जन एक गीत में कहती हैं कि हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आपके अंगों से जो बिछुड़ गया है वो कभी चैन से नहीं रह सकता, कभी सुख से नहीं रहेगा। तो उसने उदाहरण गंगा जी का देती, गंगा जी जब से आपके चरणों से बिछड़ी है तब से इधर उधर पहाड़ पर गिरती बाहर आती, अपने समुद्र में आत्महत्या कर रही है। गंगा की दुर्दशा है, तो आपसे बिछुड़ करके कोई सुखी नहीं हो सकता है। नेत्र से बिछुड़े हैं सूर्य और चंद्रमा, तब से इन पर कितना संकट आता है, राहु इनको ग्रस्ता रहता है जैसे तैसे, सूर्य रात दिन तपता रहता है, चंद्रमा रात दिन घटता रहता है, शोक में पड़ा हुआ है चंद्रमा। घटना मतलब आपके विरह में ये घट रहा है, एक दिन केवल पूर्ण होता है, बाकी घटना घटना बढ़ना बढ़ना, और ऊपर से खतरा होता है इसको पूरा बढ़ जाने पर पूर्णिमा के दिन, ज़्यादा ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है, जिस दिन बेचारा पूरा होता है तो ये राहु ग्रस लेता है। आपसे बिछुड़ करके कोई सुखी नहीं हो सकता, आपके नाभि से ब्रह्मा जी बिछुड़े हैं, क्या उनकी दुर्गति होती है। सृष्टि में लगे हैं, सब में लगे हैं, लेकिन उनमें इतना बड़ा दोष आया, अपनी पुत्री के प्रति दुर्भावना आ गई, ये सब आपसे बिछुड़ने के कारण। वो अपने दृष्टि से अपनी भावना से देख रहे हैं, तो हम लोग तो सर्वांग से बिछड़ी हुई है, आपके समस्त अंगों का आलिंगन मिला है, उस सारे अंगों से हम बिछड़ी हैं, तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं। सबसे बड़ा दुख यही है आपसे बिछुड़ना। जो भी हो, लेकिन गंगा जी निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि भगवान के चरण कमल से निकली। अतः ऐसा कौन व्यक्ति होगा मरीष्य मार आसन्न मरण, जो जान जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा। और यदि वो विपश्चित है, विद्वान है, समझदार है, अच्छा अवश्य सेवन करेगा। तुम्हारा परीक्षित गंगा जी में गए, गंगा जी के तट पर गए और प्रायम उपविवेश अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। इसलिए वे सोच रहे थे कि जिस मुनि के, जिस भूख के कारण, जिस प्यास के कारण मैं मुनि के कंधे में सांप डाला, तो अब मैं खाऊंगा नहीं और पीऊंगा नहीं। और एक उद्देश्य यह भी था, नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा तो मेरा शरीर शुद्ध रहेगा, मुझे भगवान का स्मरण अधिक आएगा और मैं उनके चरणों में जाऊंगा। ये सोच कर बताइए, वे के अखंड पृथ्वी के राजा थे, राजा थे, किस भोग की कमी थी उनके पास, कुछ भी कमी नहीं थी, सब कुछ भरा पड़ा था, जो पहले से ही है समझे थे, तो इस समय क्या भोग है। ऐसा नहीं थे 7 दिन में मर देना है तो यहाँ चलो ये घूम लो, ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसी चिंता नहीं हो रही थी। ये तो सब जो विषयी लोग हैं जिन्हें भगवान से कोई प्रेम नहीं है, वे ऐसा सोचते हैं, जिसे कोई सुख है नहीं। महाराज परीक्षित राज्य छोड़कर, राजधानी छोड़कर, परिवार छोड़कर गंगा जी में चले गए, गंगा जी के तट पर, और वहाँ भी जा करके, ये नहीं कि 7 ही दिन जीना है तो 7 दिन में जितना बना बना करके खा लो। आजकल का तो आदमी यही सोचेगा, जब 7 ही दिन जीना है तो सारा धन रुपया सब खाने में खर्च करो, ये क्या लाभ है।
आमरण अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। अनशन अन असन अन नहीं असन मतलब भोजन भोजन नहीं अनशन। अनशन किया जाता है जैसे हम लोग एकादशी को अनशन करते नहीं खाते तो उस दिन इंक्रीज्ड भजन करने के लिए शरीर में आलस्य न आवे और भोजन आदि बनाने का झंझट न रहे तो भगवान कृष्ण का अधिक से अधिक जप कर। रिस्कान में वैष्णव लोग एकादशी को 25 माला करते हैं और दिन 16 माला एकादशी को 25 माला अधिक भजन करने के लिए अधिक भागवत पढ़ने के लिए सब चीज अधिक अधिक इसका बहुत महत्व है उपवास। कुछ लोग सरकार के ऑफिस के पास अनशन करते हैं अपनी कुछ मांग पूरा करने के लिए तो अनशन में बहुत ताकत है। सरकार का आसन डोल जाता है अगर दो चार आदमी भूखे बैठ जाए तो है ना। खाने का उतना महत्व नहीं है नहीं खाने का बहुत महत्व है। अगर परिवार में भी कोई मालिक है घर में और एक दिन न खाए तो पूरा परिवार डवाडोल हो जाता है भाई किसी तरह से खिलाओ खिलाओ उनको खिलाओ। छोटा बच्चा भी यदि नहीं खाता है रुस जाता है अपने माँ से तो उस दिन स्पेशल उसकी सेवा करनी पड़ती है बनाने के लिए। तो भोजन छोड़ देना ही बहुत बड़ा बल है पर उसका उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान कृष्ण का स्मरण हुआ थे यानी कोई तुच्छ मांग पूरा कराने के लिए हम नहीं खाएंगे। कई बार हमने देखा है और सुना भी है कुछ कोई चार पांच आदमी अगर बैठ गए नहीं खाते हैं कई लोग आकर के फोटो लेते हैं मीडिया वाले आ जाते हैं ऐसा लगता है जैसे चार पांच ऋषि आ गए और ध्यान भगवान का नहीं करते हैं। कई कई लोग तो कपट भी करते हैं सामने खाते नहीं तो बाद में पीछे खा कर के फिर इस पर कह रहा हूँ कि महाराज परीक्षित भोजन त्याग कर जल त्याग करके बैठ जो जल भी त्याग दिए थे ऐसा नहीं कि अनशन किए हैं तो अन्न नहीं खाए लेकिन जूस पी रहे। कई सरकार के आदमी लग जाते हैं कि इनको खिलाना है अनशन नहीं करने देते हैं तोड़वा देते हैं जब उठा करके ले जाते हैं अलक्षित स्थान में जनता के सामने अनशन न करे। तो महाराज परीक्षित भगवान को पाने के लिए अनशन करती है गंगा जी के तट पर। तो श्री गंगा जी की विशेषता शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं या वै लसत श्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्रिरेणं व्यधकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान्भयात् शेषान् कस्तां सेवेत मरीष्यमाणः। श्री गंगा जी कैसी हैं लसत श्री तुलसी बहुत ही सुंदर लग रही है जिसकी श्री जिसकी शोभा ऐसी तुलसी से विमिश्र तुलसी की गंध जिसमें मिली हुई है वह कृष्ण चरण रेणु कृष्ण के श्री चरण से कमल की गंध निकलती है और उनके चरणों पर तुलसी जी चढ़ाई जाती हैं इसलिए तुलसी की गंध भी निकलती रहती है। भगवान के श्री चरण ऐसे मूल सुगंध तो पद्म का है लेकिन तुलसी की गंध भी मिली हुई है तुलसी विमिश्र ऐसे तुलसी जिसकी बहुत शोभा है सुंदर है ऐसी तुलसी से मिश्रित कृष्णांग्री रेणु भगवान के चरण धूलि में तुलसी मिली हुई है
रेणु अधिकांगुर विनेत्री, और भगवान के चरण कमल में तुलसी की गंध है, तुलसी जी हैं, उनकी चरण धूली है। तो भगवान के चरण पराग, चरण कमल के पराग से, धूली से जल की समृद्धि हो रही है। गंगा जी का जो जल है वो और अधिक, मतलब अधिक महिमामय है, और अधिक महिमामय है। वास्तव में गंगा जी की महिमा इसी कारण से है कि भगवान के चरण धूली को लेकर के बहते हैं। साक्षात भगवान के चरण धूली से सिक्त जल को लेकर के ढोती है, वाहिनी है गंगा जी, नेत्री मतलब वाहिनी, और तीनों जगत को पवित्र करते हैं। इनकी तीन धारा निकलती है, एक स्वर्ग में ब्रह्मलोक से आती है स्वर्ग में, एक इस पृथ्वी पर, और दूसरी धारा जिसको भोगवती कहते हैं वो पाताल में जाती है। पुनाति गंगा जी पवित्र करती हैं लोकांग, लोगों को उभयत्र, दोनों तरह से पवित्र करती हैं गंगा जी, उभयत्र बाहर भी और भीतर भी। गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जी का पानी पीने से, या गंगा जी का नाम लेने से व्यक्ति बाहर से तो पवित्र होता ही है, उसका अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है, भीतर भी पवित्र हो जाता है, बाहर से पवित्र होता है। ऐसी गंगा जी लोगों को पवित्र करती हैं स ईशान, उनके स्वामियों के साथ, लोकपालों के साथ, इंद्र आदि लोकपालों के साथ सभी जीवों को पवित्र करती हैं। तो कस्तन सेवे तमरिष्य मारा, तो फिर मरणासन्न व्यक्ति क्यों नहीं गंगा जी का सेवन करेगा, कौन ऐसा जो सेवन न करे। तो श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको आसन्न मरण कहते हैं, आसन्न मृत्यु, निकट आने वाली है मृत्यु, निकट आ गई है। तो ये बात कहते हैं कि कौन जानता है कि उसकी मृत्यु कब होगी, इसलिए मृत्यु को निकट मान करके ही चलना चाहिए। काल गहे करके लोग सोचते हैं नहीं अभी इतना साल हम नहीं मरेंगे, इतना साल नहीं मरेंगे, कौन गारंटी दे सकता है। क्या हिरण्यकश्यपु मानता था कि प्रहलाद जी को जब मारने चला तो अभी वो मरेगा, वो तो सोचता था हमको मरना ही नहीं है। वर्ष में कोई अवधि नहीं बांधी गई थी, सारे देवता जानते थे और हिरण्यकश्यपु जानता था कि वो मरने वाला नहीं है, लेकिन भगवत द्वेष के कारण क्षण भर में मार दिया गया, फाड़ दिया गया नृसिंहदेव के द्वारा। उतने बलवान का भी कोई गारंटी नहीं है कितना दिन जिएगा, तो फिर हम लोगों की क्या गारंटी है। इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य आदि, इनको तो मान करके चलना चाहिए कि हम आसन्न मृत्यु हैं, और कोई इसीलिए कष्टान्न सेवे मृत्यु मान, अतः गंगा जी का सेवन करना चाहिए। और यदि गंगा जी दूर हैं तो गंगा जी जिन चरणों से निकली हैं उनका सेवन करना चाहिए, गंगा जी जिसके कारण पवित्र हैं उन चरणों का सेवन, श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल का सेवन करना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। नहीं तो ये प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, कस्तन सेवे तम मरिष्य मारा, मरणासन्न व्यक्ति कौन ऐसा होगा जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा। सबको करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित का जो निर्णय था कि मरते समय मैं गंगा जी के तट पर रहूं, तक्षक धंसे का कोई बात नहीं, वो उसके लिए खुश थे वो धंसे, लेकिन वे अपने को इस स्थिति में रखना चाहते थे जिस स्थिति में शरीर त्यागने पर वे भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल पाएंगे, यही बस अपेक्षित। ऐसा नहीं कि अपरीक्षित महाराज उपाय करे और चारों तरफ लोहा का जंजीर या मोटी दीवार बनावे तो तक्षक आवे ही नहीं अपने को सेफ करने के लिए, तो राजा थे पूरी पृथ्वी के, कुछ भी उपाय कर सकते थे, ऐसे जगह भाग जाते जहां वो नहीं पहुंचता है। लेकिन ऐसा उपाय नहीं कि बल्कि खुला मैदान में गंगा जी के किनारे चले गए तो आवे तक्षक, वो कहे भी हैं ऋषियों से, आगे वो बात आएगी।
Maharaj Parikshit case.